और आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं अगर चाहते हैं अपना पीएफ उठाने के लिए ऑनलाइन कैसे करें, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एडवांस पीएफ कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि बिना रिजाइन किए आप पीएफ पूरा नहीं उठा सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर काम कर रहे हैं रेगुलर में हैं तो आपको एडवांस पीएफ के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों बहुत से लोगों का ये रिजेक्ट कर दिया जाता है एडवांस पेमेंट, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई करेंगे कि हमारा आवेदन रिजेक्ट नहीं हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएफ की वेबसाइट पाने के बाद यहाँ यूजर नेम यूएन नेम आपको डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड कैप्चा और साइन इन पर ओके करेंगे आप लॉग इन हो जाएंगे। तो मैं अपना यहाँ लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ दोस्तों मेरा आईडी लॉग इन हो गया है, यहाँ आप लेटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चले आएंगे ऑनलाइन सर्विस में। यहाँ फर्स्ट में आपको यहाँ ऊपर देखने को मिल जाएगा क्लेम फॉर्म, इसी को आपको ओके करना है फर्स्ट वाले को, इसलिए हम ओके कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको बैंक अकाउंट आपको वेरीफाई करना होगा जो इसमें आप दिए हैं पहले से, और उसके बाद वेरीफाई पर ओके करेंगे अकाउंट नंबर डाल के। तो चलिए मैं अकाउंट नंबर अपना फिल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई करने के बाद हम नीचे चले जाएंगे, यहाँ प्रोसीड फॉर द ऑनलाइन क्लेम, इस पर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ दोस्तों यहाँ डाटा वेरीफाई होगा कि उसके बाद दोस्तों यहाँ आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ सेलेक्ट फॉर ऑप्शन, यहाँ क्लेम करने का दोस्तों यहाँ ऑप्शन आपको दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पीएफ एडवांस आपका भी दोस्तों ऐसे ही होगा अगर आप कंपनी में रिजाइन नहीं दिए हैं। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ आप पीएफ एडवांस आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अपना सर्विस वाला जो जिस कंपनी में आप काम किए हैं यहाँ से अपना कंपनी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ दोस्तों आपका यहाँ मेन पॉइंट है किस उद्देश्य के लिए आप पेमेंट एडवांस निकालना चाहते हैं, इसी ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। और इसी में से अगर ऑप्शन आप सही नहीं सेलेक्ट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उचित कारण आपका नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इसमें से दोस्तों अगर फर्स्ट वाला आप चूज करते हैं कोविड वाला जो ऑप्शन दिया है उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इलनेस दिया है, यह भी आप अगर आप सेलेक्ट करते हैं पीएफ भरते समय तो आपका 100% पीएफ एडवांस आपका सेटलमेंट होगा, अन्यथा अगर और भी अगर इसमें कोई रीजन आप डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट वाला और इलनेस वाला अगर सेलेक्ट करते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कई बार इसका फॉर्म फिलअप किया है, कोई भी फॉर्म हमारा रिजेक्ट नहीं होता है। बाई चांस एक कभी काल हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद सारा डाटा हम फिल करेंगे, कितना हमको अमाउंट निकालना है अग्रिम यहाँ अपना डाल सकते हैं, आपको कितना पेमेंट निकालना है। उसके बाद यहाँ एम्प्लाई एड्रेस दिया है, अपना एड्रेस फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द चेकबुक या पासबुक यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ आपको पासबुक या कैंसिल चेकबुक आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपके पासबुक पर आपके ब्रांच मैनेजर का मोहर लगा होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ डिक्लेरेशन को हम क्लिक करेंगे, इसका सहमति हम देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पासबुक का जो साइज रहेगा 100 KB से 500 KB के अंदर आप करेंगे इसका स्कैन, JPG में या PDF में भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ जब हम सभी डाटा फिल करेंगे उसके बाद एग्री करेंगे तो यहाँ गेट आधार OTP का यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा। आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर पर आपको एक OTP मिलेगा। दोस्तों यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपके एक आधार में जो नंबर दिए हैं उसी नंबर पर आपको यहाँ एक OTP मिलेगा। OTP यहाँ आपको फिल करके यहाँ वैलिड OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर ओके करेंगे। तो मेरा OTP आ चुका है, उसके बाद दोस्तों मैं वैलिडेट एंड OTP सबमिट क्लेम पर ओके कर देते हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है और सर्वर आपका स्लो रहता है तो 1-2 मिनट यहाँ समय लग जाता है। दोस्तों यहाँ देखिए हमारा यहाँ एडवांस PF यहाँ कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका दोस्तों यहाँ फर्स्ट वाले पृष्ठ को आप प्रिंट करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार भी आप भी अपना PF एडवांस निकाल सकते हैं। दोस्तों PF सेटलमेंट होने में लगभग 3 से 4 दिन या 1 सप्ताह के अंदर आपका PF सेटलमेंट क्लियर हो जाएगा और आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा जो आप एडवांस में पेमेंट निकाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपना निकाल सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।